नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का, और इसका टाइटल है भाई मोदी बहुत बेहतर है, वो कहां ले गया है इंडिया को, सेज पाकिस्तानी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। सर कैसी लाइफ जा रही है? बस सबके साथ ही है, जैसी आपकी जा रही है वैसी हमारी भी जा रही है। सर मुझे ये बताएं, ये कई सारे YouTube चैनलों पे आ रहे हैं, मैंने देखा है इनको, दो तीन वीडियोस में देख चुका हूँ मैं इनको, और ये पता नहीं अब इनको किसी ने भेजा है कि जाके आपको YouTube पर अब ऐसी दोस्ती यारी मोदी की तारीफ करने वाली बातें करनी है, या ये अपने दिल से करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंडिया का बड़ा सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को बड़ा बेहतर मानते हैं। अब वो आबिद अली भाई भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। अब ये क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा है, अब इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने खुलेआम भी बोलते हैं और ये लोग करते हैं, और पाकिस्तान के लोग, खैर आबिद भाई पर तो अटैक भी हो गया, मुझे लगता है कहीं इन पर भी अटैक ना हो जाए या किसी और एजेंडे के तहत काम चल रहा है, ये भी तो हो सकता है। कि भारत इस टाइम कितना आगे निकल चुका है? भारत बहुत आगे निकल चुका है भाई। भारत क्या, हमसे तो बांग्लादेश भी आगे निकल चुका है, हमसे तो मेरा ख्याल अफगानिस्तान भी आगे निकल गया है, नेपाल भी आगे निकल गया है, हमसे तो बहुत सारे मुल्क आगे निकल चुके हैं। सर ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में कहते हैं भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है? बस वो कोई वो मेरा ख्याल 50 साल पहले की कोई बात करते हैं, 30 साल पहले वाकई वहाँ गुर्बत थी, अब नहीं है, मगर वो शायद 30 साल पहले इंडिया को जानते हैं, अब नहीं जानते। और मैं जब उनसे पूछूँ यहाँ पर कैसी लाइफ जा रही है तो कहते हैं मर गए। तो बस यहाँ लोग मर मर के भी जी रहे हैं, मगर क्या करें, वो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर बंदा तैयार है बाहर जाने को, अगर इनको इंडिया भी ऑफ़र करे ना अच्छी पे की, कोई डॉलरों में कि आपको डॉलरों में तनख्वाह देंगे या रियाल में देंगे, धर्म में, यकीन करें सुबह वाघा बॉर्डर पे भी रश लगा होगा। इंडिया में भी लोग काम करने, जब बांग्लादेश जा सकते हैं काम करने के लिए हमसे अलग हुआ है, तो इंडिया में क्या हर्ज है? और भाई जब ये पाकिस्तान भारत एक था, जब बांग्लादेश सारे इकट्ठे थे, तब भी यहाँ के लोग बम्बई काम करने जाते थे, कलकत्ते काम करने जाते थे, जैसे अभी कराची में है, ठीक है, तो अभी भी अगर पोर्ट खोल दें, दोस्तियाँ हो, तो शायद आधा पाकिस्तान इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मजदूरियाँ करने चले जाएगा, 6-6 महीने बाद साल साल घर आएगा, ठीक है, पाकिस्तान में तो हाथ जोड़ता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा सोचना भी गुनाह है। ठीक है आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा हमारे यहाँ। और अगर किसी ने करने की ज़रूरत की, किसी सरकार ने, तो इस देश की जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी उसी मिनट, चाहे कुछ हो जाए। वो ज़माना गया, क्योंकि 50 साल पहले की वो सोच अलग थी, आज सोच अलग है, आज सोच एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ हमें दिख चुका है कि भाईचारे की आड़ में होता क्या है। वो चाइना से भी हमें क्लियर हो चुका है कि भाईचारे की आड़ में उसने क्या किया था 62 में, और बाकी आप लोग इसे तो खैर है ही, तो ये मत सोचिए, ये तो सोचना भी आप लोग के गुनाह है, ये काम हो ही नहीं सकता, ये डिक्शनरी में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, ये किया ही नहीं जा सकता। और जो भी करने की कोशिश करेगा यहां पर, मैं देख रहा हूं रोहिंग्या वालों में बहुत लोग कर रहे हैं, उन सबका इंतजाम होगा, छोड़ा नहीं जाएगा, यकीन मानिए, घुसपैठिए ही रहेंगे और उनको निकाल बाहर किया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। कोई चीज बनती ही नहीं है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने तो कुछ इंतजाम ही नहीं किया, किसी इंडस्ट्री को भी नहीं, किसी ज़राअत को भी नहीं, उन्होंने हर चीज को अवाम को सहूलत दी है ना, ज़राअत में उन्होंने अवाम को सहूलत दी है, इंडस्ट्री में सहूलत दी है। 1947 में जो हमने मुल्क बनाया था, एक आज़ाद पाकिस्तान बनाया था, वो क्या इस नज़रिए पे बनाया था कि 2023 के अंदर लोग ख्वाहिश करें कि अब यहाँ से हमने जाना है बाहर? असल में जब कायदे आज़म फोत हो गए थे ना, उसके बाद तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क समझो शुरू ही हो गया था ना, जो जिसने बनाया था, जिसकी जो सोच थी, वो तो अब नहीं है ना। कायदे आज़म का कोई फलसफा चल रहा है? कायदे आज़म की बात किसी ने मानी? कायदे आज़म ने कहा था एक गवर्नर जनरल रखना, चारों सूबों पे एक ही गवर्नर जनरल रखना, आज आप किसी से पूछें वो कहेगा मैं पंजाबी हूँ, दूसरे से पूछेंगे आप कहेगा मैं पठान हूँ, कोई कहेगा मैं ज़ारेवाल हूँ, कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई बलोची, किसी ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर एक गवर्नर जनरल होता, कायदे आज़म की बात मानते, तो सारे आपको पाकिस्तानी कहते। अब पठान, यकीन करें मैं पेशावर रह के आए हूँ 8 दिन, पठान लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं, वो कहते हैं आप कितने बगैरत हैं पंजाबी, आपकी लड़कियों को घसीट रहे हैं,
बेइज्जत कर रही है, आप बोलते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर पठानों की एक लड़की को भी इस तरह की सीट थे ना, हम देखते क्या कर सकते थे आप। सर मुझे ये बताएं कि जो भारत में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो क्या अपनी कंट्री के लिए लॉयल है ज़्यादा? देखिए अगर लॉयल है तो वो तरक्की कर रहे हैं ना, अगर लॉयल ना होता तो तरक्की कैसे करता। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ठीक हो जाएगी, वो भी लॉयल हो जाएंगे अपनी आवाम के साथ, तो ये भी तरक्की करेगा। इनके क्या हमारे हाथ कटे हुए हैं? हमारे काम हम सुपर पावर की दौड़ में क्यों नहीं है? हम इमर्जिंग सुपर पावर क्यों नहीं बन रहे? पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाह करके क्यों खड़ी हुई है? देखिए अभी आपको यहाँ पता चले कि आपको कहीं ये दुकान है आपकी, ये देखिए ये मास्टर बिरयानी है, ठीक है, इसका अपना नाम है, टेस्ट है। अभी आपको पता चल जाए कि यही ये 400 की प्लेट दे रहे हैं, उधर आपको 300 पे इससे अच्छा म्यार मिल जाएगा, तो आप किधर जाओगे? आप इसको नहीं देखोगे कि मैंने मास्टर से ही अब खाना है? और भैया आपने अपनी जेब को देखना है, पैसे बचाने, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, आप 300 वाली पे भागोगे? जब उनका म्यार भी अच्छा होगा, जब रेट भी अच्छा होगा, तो लोग उस पर जाएंगे ना। पाकिस्तान ने तो अपना ब्रांड, मतलब है कि अपना म्यार पूरी दुनिया में गिरा दिया पाकिस्तानियों ने। पहले यकीन करें 70 की 80 की दिहाई में पाकिस्तान का नाम होता था पूरी दुनिया, पाकिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी के लोग, ये जो काम कोई नहीं कर सकता वो पाकिस्तानी करते थे। खाना काबा पे कब्जा कर लिया तो पाकिस्तानी आर्मी को बुलाया था, और पूरी दुनिया में फोर्स नहीं थी, क्यों पाकिस्तान की फोर्स को बुलाया था भाई? काहे पाकिस्तानी तब अच्छे थे, अब पाकिस्तानी भाई भाई का गला काट रहा है भाई। आज कोई भी मेरा कारोबार अच्छा होगा ना, मेरा भाई क्या करेगा, वो खुद से नहीं को ढूंढेगा, वो पहले मेरा देखेगा कि ये क्या कर रहा है। कि अच्छा आपने जब जिक्र कर ही दिया है तो मैं एक और जिक्र याद करना चाहूँगा, वो ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, क्या कहते हैं जब फिलिस्तीनियों को जॉर्डन के राजा के आदेश पर, शायद आप ही की पाकिस्तानी सेना ने, शायद जियाउल हक उसमें थे वहां पर या जो भी था, व्हाटएवर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये बात तो पता नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको शर्म आएगी, क्योंकि आज आप फिलिस्तीन के लिए झंडा बुलंद करते हो, हाय फिलिस्तीनियों के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब आपकी ही सेना के लोग, आपकी ही सेना ने जब जाकर फिलिस्तीनियों को कत्लेआम किया था वहां पर हजारों फिलिस्तीनियों का, तब वो बात सामने नहीं लाएंगे क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी भाई पाकिस्तानी फौज की, कि पैसे के लिए वो तो कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी देने भी चली जाती है। तो ये बात भी तो, इस पर भी तो चर्चा कीजिए कि फिलिस्तीनियों को, हजारों फिलिस्तीनियों को आपकी पाकिस्तानी फौज ने मारा था, और अब आप किस मुंह से कहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं, किस मुंह से कहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं ना, बहुत दोगले लोग हैं पाकिस्तान के लोग, सब नहीं है मतलब जो इस तरह की बातें करते हैं, बहुत इधर काम कर रहा है, कितने में काम कर रहा है, उसके पास जाएगा, ये कितनी तनख्वाह है, कहेगा जी 20,000, मैं 15 पे करूंगा जी, मुझे रख लो। पाकिस्तान में तो अब ये हालात हो गए कि रोटी छीन रहे एक दूसरे से, जब आप एक दूसरे से छीनोगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? भारत के साथ तिजारत कर लेनी चाहिए इन हालात में भाई, हर मुल्क से तिजारत करनी चाहिए। देखे जब मुल्क में किसी चीज़ का कैद होता है, कोई चीज़ कम होती है, तो हर चीज़ से हर, देखे इस्लाम में तो क्या है कि आपके लिए अगर बहुत इमरजेंसी है, जंगी हालात में आप गधा भी खा सकते हो, ठीक है, तो जब गधा खा सकते हो, लोरियों ने तो वैसे ही बहुत खाया है, ठीक है, मेरे समेत, तो जब गधा खा सकते हो, इंडिया से तिजारत क्यों नहीं कर सकते हो? सर क्यों नहीं करते वो? तो इसलिए नहीं करते कि इंडिया की चीज़ें सस्ती हैं, उस पर इतनी ये ड्यूटी नहीं मिलती इनको, उतना टैक्स नहीं मिलता इनको, ठीक है, इनका कार्गो पे इतने पैसे नहीं बचते, इंडिया से आएगा सामान तो यहाँ नज़दीक से आएगा, उस पर इनको इतना टैक्स नहीं मिलेगा, जो आएगा शिप के ज़रिए आएगा, जो कराची के ज़रिए आएगा, उस पर इनके NLC के ट्रक चल रहे हैं, अपनी इनकी कार्गो चल रही है, उसको फायदा किस तरह होगा? सर ये नहीं चाहते 5 रुपए किलो टमाटर यहाँ मिले, 10 रुपए किलो प्याज इधर मिले, ये 400 रुपए लीटर पेट्रोल भी लेंगे, ये 1,000 रुपए किलो चिकन भी खाएंगे, ये ऐसा ऐसा इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, एकदम नहीं डाल रहे, जब हम ये चीज़ें ले रहे हैं बोल नहीं रहे, ऐसा ऐसा कहते हैं कि आप मजबूरी है, तब जब नहीं बोलेंगे तो फिर यही हाल होगा ना, वहाँ की अवाम बोलती है लड़ती है, हमारी अवाम एक दिन बोलती है दूसरे दिन डंडे पड़ते हैं भाग जाती है, कहते हैं भाई ये था जी, मुकर जाती है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, कोई भी आए मैं यही बातें उसके सामने भी करूँगा, ठीक है, ये कहेंगे ना मैंने तो की ही नहीं है, और जब अपनी बात पे खड़े नहीं होगे पाकिस्तानी लोग तो कैसे आप तरक्की करोगे? सही बात है, वो जो बात की है उस पर डट जाओ, अगर हक की बात करो उस पर डटे रहो, हम डटते हैं, हम मुनाफिक हैं, ठीक है, हम यहाँ बात कुछ करते हैं, बाहर जाके कुछ करते हैं,
आगे जाके कुछ करते हैं तो फिर इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा। मुनाफ़कत ये हमारी कौम छोड़ दे, ठीक है, भाई भाई का गला ना काटे। जब एक पूरे गांव पे मुसीबत आती है तो समझो कि सब पे आई है। हम समझते कि मेरे पे आई है, इस पे आ गई है, तो दूसरा उसका साथ ही नहीं देता। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ या भारत का नरेंद्र मोदी कौन ज़्यादा बेहतर है? देखिए, अभी तो मोदी अच्छा है, जो अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को कहाँ चल ले के चला गया है। अगर पाकिस्तान का शहबाज शरीफ होता, चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो, अगर वो इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे होते ना, तो मैं कभी भी मोदी का नाम ना लेता। क्या मुकाबला बनता है अभी पाकिस्तान और भारत का? बन सकता है, क्या हम कमज़ोर हैं? सबसे बड़ी बात है, हमारे पास कलमा ईमान है। ओ भाई, हम उनसे कम तो नहीं है, हमारी सारी क्रीम तो बाहर चली जाती है। बेईमानी भी सबसे ज़्यादा इसी। मैं ये तो पूछना चाहता हूँ कि इस कलमे और ईमान ने 75 साल में आपको दिया क्या? आप अभी भी वहीं पर टिके हुए हो। रिजल्ट क्या आया इस कलमे और ईमान से? क्या आपको आटे की बोरियों के लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा है? कितने अफसोस की बात है ये कि जो पाकिस्तान कभी एक्सपोर्टर हुआ करता था वीट का, आज उसी पाकिस्तान के लोगों को आटे की बोरियों की लाइन में लगना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, अपनी जान तक देनी पड़ रही है। और अब बात करते हो कि हमारे पास कलमे की ताकत है। क्यों ताकत नहीं दिखती वो? क्योंकि आप लोग बेईमान हो, और इससे कह के आप लोग अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो कि हमारे पास कलमे की ताकत है, कलमे की ताकत, और फटीचर बने हुए, भिखारी बने हुए। कौन विश्वास करेगा कलमे पर? अब काफी लोग आ जाएंगे मेरे ऊपर, टूट पड़ेंगे, अरे तू बेइज्जती कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। अरे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। अगर इतनी ताकत है तो भाई कहां है ताकत? क्यों पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा है? और क्या वो ताकत इंडिया पर लागू नहीं होती क्या? इंडिया में जो मुसलमान देखो कैसे ग्रो कर रहे हैं। इंडिया के मुसलमानों के पास पैसा भी है, वो 25 रुपए किलो आटा भी खा रहे हैं, आपकी तरफ मर नहीं रहे वो, और ना आपकी तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास कलमे की ताकत है, वो करके दिखाते हैं, तब वो ताकत असर कर रही है। इधर कुछ उनमें से है, ऐसा नहीं है, एक छोटा सा धड़ा है जो आपकी तरह वाला ही है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो दिखा रहे हैं ना, वो ग्रो कर रहे हैं ना, उनको संकट नहीं है ना। संकट क्यों नहीं है? संकट इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ हैं, पूरा देश एक है। मेजोरिटी हो, सेकंड मेजोरिटी हो और माइनॉरिटी हो, वो सब मिलकर काम करते हैं। आप लोग इतना नहीं, भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक समान अधिकार देता है, वो चाहे हमारे यहाँ का हिंदू, हमारे का मुसलमान हो, हमारे का सिख हो, हमारे का ईसाई हो, चारों को सेम राइट्स हैं। और अगर थोड़ा और डीपली जाऊंगा तो कई बयानों में तो माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट्स हैं मेजोरिटी से। आप ये करके दिखा सकते हो अपने यहाँ? आपने तो अपने अपने संविधान में, अपने आईन में लिख दिया कि ये चीज सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी, इस चीज पर तुम लोग बोलना मत बे, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई बोलना मत, ये चीज सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हमारे यहाँ आईन ऐसा नहीं करता, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा नहीं कहता, हमारे यहाँ संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, इसीलिए हमारे यहाँ प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है मुल्क में। तो बेईमानी, जब ऊपर बेईमान बैठे होंगे तो नीचे वाला किस तरह नहीं करेगा, और जब ऊपर ईमानदार होंगे तो ऑटोमेटिक नीचे भी ईमानदार आएंगे ना। नहीं, एक तरफ तो हम कहते हैं हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे पास कलमा ईमान है, दूसरी तरफ अगर हम चोरी में देखें, अगर हम बाकी चीज़ों के अंदर देखें, करप्शन में आप देख लें, सबसे ज़्यादा केसेस हमारे ही मुल्क के लीडरों के निकल रहे हैं। हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद के अंदर तक है, जब हम नमाज पढ़ते हैं बस वहीं तक हमारा ईमान है, उसके बाहर आते हैं फिर हम वही कुछ ही करते हैं। ईमान तो वो होता है कि जो ताहयात हो उसका ना, अभी मैंने पठानों की बात की है ना, उनकी किसी लड़की पे कोई बात हो, वो ये नहीं कहेंगे ये फलाने कबीले की है या फलाने शहर की है, वो कहेंगे पठान की बेटी के साथ ज्यादती हुई है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। देश हमसे अलग हुआ था, आज बांग्लादेश कहाँ निकल गया है, 80 अरब डॉलर के असासे हैं उनके, हमसे उस टाइम हम पे बोझ था, आज हम उनसे मदद मांगते हैं। सर बात ये है, अक्सर वो जनरल जड़ा काला होता है ना, वही मीठा होता है, जो फल दागी होता है ना वही मीठा निकलता है। हमने उनको दागी समझा बांग्लादेशियों को, कि ये नकम्मे लोग हैं, इनके मुल्क में सैलाब आते हैं, ठीक है, हमने अपनी जान छुड़ाई है उनसे, क्योंकि उन पे फंड ज़्यादा देने पड़ते थे, ठीक है, वो अपना हक ज़्यादा हमसे मांगते थे और हमारा कोई रास्ता भी नहीं था, ठीक है। ये तो आज भी इनको कह दें ना कि इसमें से कोई आधा हिस्सा बेच दो, कोई भी गवर्नमेंट कह दे, अमेरिका कह दे, ये हिस्सा हमें दे दो, बीच में से एक सूबा दे दो, ये कहेंगे जी अभी साइन करते हैं, देते हैं, इनके कौन सा बाप क्या है, इन्होंने कौन सी कुर्बानियां दी हैं। इसहाक डार साहब भी तो कह रहे हैं कि खजाने बढ़े हैं, पैसा बढ़ा है मुल्क के अंदर,
हाँ तो उनको पता है ना काम के पास है, सब कुछ है, मगर कोई सही तरीके कार नहीं है। हर बंदा टैक्स देना चाहता है, मगर उसको पता हो कि मेरे पे इतना टैक्स है, वो को बजट बनाएगा साल का मेरे पे इतना टैक्स है। यहाँ पता नहीं चलता, रात को कुछ और कीमत होती है, सुबह को कुछ और हो जाती है। यार एक साल के लिए एक फिक्स प्राइजें कर दो, जब तुम बजट लाते हो साल बाद, बस एक साल उसको फिक्स कर दो ना, क्यों नहीं नाफज करते हो हर महीने बाद हर हफ्ते गेम। सारा इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? ताजरों को हो रहा है। 10 रुपये महंगाई करते हैं, वो 10 रुपये एक चीज़ से बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। फ़ायदा तो सरमायादार को हो रहा है, गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। और गरीब बोलते ही नहीं है, गरीब कहते हैं खैर अब क्या करें यार, घर में बच्चों को देना है, कहाँ से भी देना है, आज तो करें कल देखेंगे। ओ भाई अपना ना सोचो, आने वाली नस्लों को सोचो, आने वाली नस्लों के लिए हम क्या मैसेज छोड़ के जा रहे हैं। देखें पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों से बना, लाखों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना है। क्या इसलिए आज़ाद हुए थे? फिर इससे अच्छा तो फरंगी था ना, वो इतना जुल्म तो नहीं करता था, उनको क्यों भगाया? इससे अच्छा तो फिर मुग़ल थे, उनसे क्यों निजात ली? इससे तो अच्छा फरंगी है, अभी भी पाकिस्तान को बस लीज पे दे दें, चाइना को दे दें, किसी मुल्क को दे दें। एयरपोर्ट देख लें आप, लीज के ऊपर है, रेलवे देख लें लीज के ऊपर है, जितने बड़े बड़ी जगह हैं सारी लीज पे दी भी तो हैं। और सर जी जो रह गया ना ये वो भी देंगे, ये जितना कुछ, ये तो शायद हमारी भी कीमत लगाएंगे, ये कहेंगे 23 करोड़ है मल्टीप्लाई करो 1000 से ले लो हमारे से। इनका क्या जाएगा? ना इनकी यहाँ को फैक्ट्री है, ना इनके यहाँ घर हैं, ना कुछ भी कोई। जब इस तरह 10 अगर 1000 रोज़ाना 10-20 लोग इंटरव्यू देने लग गए, इस तरह बात करने लग गए, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। एनवाशरीफ आएगा तो चंगा हो जाएगा, ये इमरान खान आएगा चंगा, ये इन्होंने किसी ने भी नहीं अच्छा करना। अच्छे करने वाले ऐसे नहीं होते, अच्छे करने वाले ईदी जैसे थे, उनको सियासत की कोई शौक नहीं था, डॉक्टर कदीर जैसे थे, अच्छे करने वाले मर गए पाकिस्तान में। अब अगर कोई है, देखें अभी निगरान हुकूमत आती है ना, कहीं से तो पाक साफ बंदा लाते हैं ना, बकौल इनके जी ये पाक साफ है। इस टाइम जो गवर्नर लगे हुए हैं, जितने वजीरा लगे हुए हैं, निगरान हुकूमत, और भाई इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को चाहिए कोई पाक साफ। 23 करोड़ में कोई पाक साफ 10 बंदे नहीं है, कोई 20 बंदे नहीं है 23 करोड़ में। अगर नहीं है तो बाहर से इम्पोर्ट करो यार, कोई 10 साल के लिए इमरजेंसी मुल्क में लगाओ, 10 साल के लिए एक हुकूमत करो, 10 साल का बजट बनाओ, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। नहीं तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा, एक पार्टी उसको ब्लैकमेल करती है, उसकी हुकूमत उतारती है, वो जनाब आपस में ये सब गेम चेयर है, आपस में ये सारे ठीक हैं, जलील तो वाम हो रही है ना। और हम नहीं मानते, हम कहते हैं बस ठीक है जी, ओ जी नवाज शरीफ आ जाएगा, उसने पहले अच्छा किया था, मोटरवे बनाए थे, वो अच्छा कर देगा। ओ भाई अब वो भी नहीं अच्छा करेगा, उसके साथ जो कुछ हुआ है वो भी नहीं अच्छा करेगा, जो सियासतदानों के साथ हो रहा है वो भी नहीं अच्छा करेंगे। और सियासतदानों के तो बस में है ही नहीं ना, जो है तो मैं मुझे बताएं कि किस सियासतदान के बस में है कि वो इसको मुल्क को अच्छा कर सकता है। यहाँ तो हमने हाथ पांव सब कुछ बांध के दे दिए IMF को, ठीक है, एक साल हो गया IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, एक साल हो गया है ना, रोज़ कहते हैं जी आज हो जाएगा, हमने सारी शर्तें मान ली हैं, प्लीज मेरे मुँह से अब गालियाँ निकलेंगी। तुम क्या गरीब हो? 13 पार्टियों के पास पैसा नहीं है क्या? एक 50 करोड़ रुपए बैंकों में ला के आधे पैसे अपने बैंकों में नहीं रख सकते हो? चलो हमें ना दो, इनके अपने बैंकों में तो पैसा ले आओ सारे सियासतदान। क्या ये सारे सियासतदान नवाज शरीफ जरदारी ये सारे सिर्फ अपने बैंकों में ही पैसा लाए तो क्या मुल्क ठीक नहीं हो जाएगा? क्या इनकी इकॉनमी? चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, बहुत बात सुन ली हमने इनकी। और आपको क्या लगता है कि इतने शरीफ हैं शरीफ कि अपने पैसे लेकर पाकिस्तान के बैंक में रखेंगे, स्टेट बैंक को पाकिस्तान में? पागल हैं वो, दिमाग ख़राब है उनका। उनको पता है कि जो भी है भैया यहाँ तो लूट ही जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए सब कुछ लंदन में है, स्विस बैंक में है, पनामा पेपर्स में आपने देखा ही नाम, सब कुछ वहीं पर है और ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और देखिए पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोग, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने कभी इस तरह प्रोटेस्ट नहीं किया। आप लोगों को पता ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होते हैं। आप लोगों ने कभी अपनी सरकार को, अपनी फौजों को, अपने इदारों को रोका ही नहीं कि तुम ये गलत कर रहे हो, कभी उनसे जवाब मांगा ही नहीं कि ये जो नुकसान हुआ है इसका, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। अभी जो 9 मई को जो कुछ भी हुआ, जितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसके लिए जवाबदेही तय हुई है? क्या कोई पाकिस्तानी ये पूछ रहा है कि भाई ये जो हमारा नुकसान हुआ, हमारे टैक्स के पैसों से, दिए गए पैसों से का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आर्मी जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान, वो इमरान खान की पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं?
जो जिम्मेदार हैं क्या वो पैसे भरेंगे, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। हो गया जी, हो गया हो गया हो गया, ये कह रहे हैं उन्होंने कराया, वो कह रहे हैं इन्होंने कराया, लो जी नुकसान किसका हुआ। अब ये जो चीज दोबारा बनाई जाएंगी, दोबारा चीजें होंगी, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे जी? टैक्स के पैसे से आएंगे, और टैक्स कौन देगा जी? टैक्स आम जनता देगी जी। तो टैक्स तो गधा बनी हुई है, उसको मार भी पड़ती है, उसको खाना भी कम मिल रहा है, और बोझा भी बढ़ाया जा रहा है कि भैया ढोते रहो ढोते रहो ढोते रहो। तो अगर गधे की, अच्छा गधों से याद आया, आपके यहाँ गधों की संख्या भी बढ़ी है भाई, ऐसी रिपोर्ट आई है कि आपके यहाँ गधों की संख्या बढ़ गई है। तो जिस तरह से आपके यहाँ आबादी बढ़ रही है ना, इंसानों की आबादी, सॉरी आबादी का मतलब इंसानों की आबादी बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि जो काम धाम तो है नहीं तो आबादी ही बढ़ा लो। भाई दुनिया की छठी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है ना आप, वैसे गधे भी बेचारे यही सोच रहे हैं कि यार आबादी ही बढ़ा लो यार कुछ नहीं तो। तो बधाई हो पाकिस्तान, गधों की आबादी बढ़ने पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही गधों की आबादी आप लोग बढ़ाते रहें और दुनिया में अपना नाम कमाते रहें, दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस को बनाते रहें कि गधों की जो क्या कहूँ मैं, अब छोड़िए जो भी है, वो वापस लौटता हूँ उस पर कि भाई पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए। देखिए पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अब तो कोई चमत्कार ही बना सकता है बेहतर, क्योंकि 75 इयर्स में जब आप लोगों को कदम उठाने चाहिए थे, जब आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जब आप लोगों को उन लोगों के गले पकड़ने चाहिए थे जिन्होंने आपका नुकसान किया, वो तो काम आपने किया नहीं। आपको अपना फ़ायदा दिखा कि चलो जी फलाने शरीफ साहब के साथ लग जाते हैं, दो प्लेट बिरयानी दो बार की मिल जाएगी, वाह उतना में टंच मज़ा आ जाएगा उसमें। तो आप लोगों ने अपने लालच की वजह से, छोटे छोटे लालचों की वजह से आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और अब वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है, बाकी तो पता नहीं है। बाकी आपको तो पता ही कि 48% से ऊपर की महंगाई हो गई है आपकी, पता है ना आपको। और एक और रिपोर्ट आई है, उसमें भी बड़ा अच्छा रैंकिंग आई है आपकी, बड़ी अच्छी रैंकिंग आई है उसमें, आप लोग सुनकर खुश हो जाएंगे, आप लोग का सीना जो है वो चौड़ा हो जाएगा। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, उसमें बताया गया है कि किस देश में कितने टेररिस्ट हैं, तो शायद आप टॉप 5 में आ गए हैं आप लोग, या आसपास ही होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा कहीं हल्का सा पढ़ा था मैंने। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके, आपके यहाँ 1 लाख से ज्यादा टेररिस्ट हैं, 1 लाख से ज्यादा, और शायद इंडिया की रैंकिंग उसमें बहुत नीचे है। उसमें कहा गया है कि जी इंडिया में अभी 5000 टेररिस्ट हैं, तो हम जानते हैं कि वो टेररिस्ट कौन है, और उनका धीरे धीरे इंतजाम हो रहा है, वो आप देख ही रहे हैं किस तरह से उन्हें 72 हूरों तक पहुंचाया जाता है, 72 हूरों तक। अच्छा 72 हूरों से याद आया, अभी वो अपने डॉक्टर रिजवान है ना, फेस टू फेस वाले, उन्होंने ट्विटर पे क्लिप्स शेयर की, उसमें एक मौलाना बता रहा था 72 हूर और हूरों के बारे में, कैसे हूर मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन थोड़ा वो सुन लीजिए, बड़ा मजेदार, बड़ी मजेदार क्लिप है उनकी, सुनिए जरा। तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है, हूरों हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, 70-70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70-70 नहीं, 70 सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं बदतमीज, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में, उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरे मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरे मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। एक मिनट, जब इनका ऐसो का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। और यहां तो हो सकता है मिनटों में
आप फारिग हो जाते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंसका रहे हो, आगे सुनो। बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100-100 मर्दों की कुव्वत। सुन लिया आपने? तो इस तरह का तो चूरन बेचा जाता है यार, और इस चूरन में लाखों लोग फंसते हैं, लाखों लोग। बताइए, जिसको किसी ने देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं, उस पर बता रहे हैं कि जी वहां पर ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे ये वहां पर टिकट कटा के गए थे, घूम कर वापस आए और बता रहे हैं कि देखो जी हम गए थे, व्लॉग तो नहीं बना पाया हूं लेकिन आंखों देखी बता रहा हूं कि ये यहां पर दिखा था होगी, इतनी लंबी लंबी हूरें होंगी और एक से काम नहीं चलेगा तो दूसरा भी आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तो भैया पहले उन सब मसालों को सुलझाइए, बाकी इंडिया उंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया उंडिया आप लोगों के सोचने के लायक भी नहीं है, छोड़ दीजिए हमें, बाकी अपना काम करिए। आप जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।